या ये मुर्गियां लड़ पड़ी हैं, बैठ सोटी रहा हूं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सभी को तो ठीक होंगे और खैर से होंगे। तो दोस्तों आज मैं इस वक्त छत पे आ चुका हूं और मैंने अपने पिंजरों की, परिंदों के पिंजरों की सेटिंग कुछ तब्दील कर दिया। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कि यार मेरे पीछे कोई पिंजरे नहीं पड़े, क्योंकि अक्सर मेरे सारे दो पिंजरे तो इधर ही पड़े थे, तो ब्लैक मुर्गी और हमारे जो देसी जेक्स हैं उसके पिंजरे इधर ही पड़े होते हैं। लेकिन आज मैंने इन सब को इस कुछ पैटर्न से रखा है, ये उठा के इधर से मैंने थोड़ी सफाई कर दिया। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गंद था तो काफ़ी कम हो गया। इधर ब्लैक मुर्गी, इधर तोते, छोटे पिंजरे वाले, बड़े पिंजरे वाले, मुर्गा मुर्गी और हमारे देसी चिक, सबको मैंने कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट दे के रखा है। और ये इधर से छोटे चूजे, उससे बड़े, फिर बड़े, फिर छोटे, फिर बड़े, फिर छोटे, ऐसे ऐसे कर करके मैंने रखा है इनको। तो दोस्तों अभी ब्लैक ब्राउन मुर्गी तो है बंद और मुर्गा भी हमारा बंद है, हमारी रानी बंद है और हमारा मुर्गा बंद है। इसको ग्लूकोज, मीठा पानी पिला दिया, अब ये काफ़ी बेहतर है। कल से आपको बताया अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो चुके हैं हमारे मुर्गा मुर्गी। अभी ये अंदर है, बंद है, तो इनको अभी भी खोलना है। थोड़ी देर पहले पानी पिलाने के लिए से बंद किया था और इनको भी बंद किया हुआ। इनको आज आटा भी खिलाया तो आटा ये काफ़ी शौक से खाते हैं। और दोस्तों ये मटकी का मैं लेके जा रहा था नीचे, तो ये ढक्कन उतर गया, तो इसका फ़ायदा ये हुआ है कि अब तोती अंदर जाती है तो ऊपर से हवा की क्रॉसिंग अच्छी तरीके से होती है। तो ढक्कन हमने दोबारा खुद नहीं लगाया, क्योंकि यार आपको पता है कितनी शदीद गर्मी पड़ रही है। अगर यार अंडे दे तो ख़राब हो जाए, अगर ख़राब नहीं होते तो ऊपर से हवा तो आ जाए कम से कम, और हवा की क्रॉसिंग हो जाए। इधर से देखें, अंदर से इधर से हवा जाएगी तो ऊपर से निकल जाएगी। पहले अंदर हवा जाके अंदर हब्बस हो जाती होगी काफ़ी ज़्यादा, और हमारी तोती काफ़ी मुश्किल से रहती होगी इधर। और हमारे कबूतर, पानी इनका भर चेंज हो गया था, और ये मक्खी मेरे इधर क्या कर रही है, ये वाइट वाली इधर बैठी है और इसका साथ वाला ये बैठा, और ये पेयर हमारा इधर बैठा है, ये नीचे चले गए हैं। अंडा तो नहीं दे रही, हो सकता है अंडा भी दे दे, कोई पता नहीं है। मैंने इन पर कुछ खास अभी तवज्जो नहीं दी हुई, दाना पानी इनका फुल ध्यान रखा हुआ है दाना पानी पे। लेकिन यार बच्चे अंडे की कोई उम्मीद नहीं है मुझे फ़िलहाल, तो अभी भी कोई उम्मीद नहीं है मुझे कि यार ये बच्चे दें। ऐसे हैं, सही हैं, कैसे रह रहे हैं, सही रह रहे हैं। जिस किसी दिन किसी टाइम हमने करना है इनको तो फिर करेंगे, क्योंकि यार गर्मियाँ काफ़ी ज़्यादा है, इस मौसम में ये ब्रीड करें तब भी सही है। लेकिन यार अंडे बचते ही नहीं हैं, कभी बारिश कभी कुछ, कोई ना कोई बहाना बन जाता है और हमारे अंडे ख़राब हो जाते हैं। जैसे पिछली बारी अंडे गायब हो रहे थे, एक बच्चा गायब हो गया था, जिंदा बच्चा, इतना सारा बच्चा हमारा गायब हो गया था, ये हाई फ्लायर्स का पता नहीं यार किधर गया। तो यार अभी इनको खोल देते हैं हम अपने मुर्गा मुर्गी को। इनको पहले यार मैं मारता है, यार काफ़ी ज़्यादा मारने लग गया अब तो। ये मुर्गा मुर्गी को खोल दिया, हवा कुछ ज़्यादा तेज़ चल रही है, इस वजह से यार हवा की ज़्यादा तेज़ चलने के दरवाज़ा बंद हो चुका है और हमारी मुर्गी उधर चली गई है, वैसे ही इधर होती है। और मैंने एक और चीज़ में नोटिस कर रही है, आप लोगों को याद होगा कि जब भी मैं अपनी ब्लैक मुर्गी खोलता हूँ, जब भी खोलता हूँ उसके साथ हमारा देसी चीज़ का पिंजरा पड़ा होता था, जब भी मैं इसको खोलता हूँ ये फ़ौरन निकल के अटैक करती थी उनके ऊपर। तो आज जब इसको खोलेंगे ये भी चेक करेंगे यार ये फ़ौरन किस पे तोतों पर अटैक करती है, क्योंकि यार ये तो इससे काफ़ी ज़्यादा दूर है, काफ़ी डिस्टेंस, दो तीन पिंजरों के डिस्टेंस पर पड़े हैं और बड़ा पिंजरा है, इस तरह नज़र भी सही तरीके से नहीं आ सकते। या फिर ड्रग आगे हमला करेगी, क्या करेगी, वो रिएक्शन भी इसका हमने आदमी देखना है यार कि यार इसका क्या रिएक्शन आता है, ये क्या करती है, अचानक से हमला करती है और ये क्या करती है, मैंने ये लास्ट में देखना है, ये मेरा एक चीज़ देखनी है इसकी। और दोस्तों तोते काफ़ी खुश हैं, ये इनको ये ना अभी नीचे नहा लिया था इन लोगों ने, जिनको मैंने बाहर निकाल कर था, और हवा की वजह से काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते, ठंडी हवा जब चलती है, क्योंकि गर्मी की वजह से हमारे परिंदों की हाल बदहाल हुआ पड़ा है, इतने बुरा हाल हुआ पड़ा है ना। आपको मुर्गी के सांस ले रहे हैं, देखें ये हवा की वजह से पर खोले हुए हैं मुर्गी ने, इसने पर खोले हुए हैं, तोतों ने पर खोले हुए हैं। कबूतरों को तो वैसे आदत होगी इनके, कोई गर्मी ज़्यादा नहीं लगती यार, हाँ किसे कोई नहीं खाप रहा और ना ही किसी ने मुंह खोला हुआ है और ना ही किसी ने पर खोले हुए हैं, सारे इधर फुल फिट हैं अपने, फुल आराम से सही बैठे हैं, बिल्कुल कोई इनको टेंशन नहीं है, आराम से ये अपना बैठे हुए हैं। और दोस्तों आपने लाजमी बताना है कि ये जो सेटिंग अरेंजमेंट आपने देख रहे हैं, ये ऐसे अरेंजमेंट, ये वाली अरेंजमेंट अच्छी है या फिर जो पहले वाले अरेंजमेंट थे वो वाली अच्छी है? मेरे हिसाब से ये कुछ यूनिक सी अरेंजमेंट लग रही है, पहले वाली तो पुरानी हो गई थी, ये आप कुछ नई अरेंजमेंट है। आप लोगों ने लाजमी बताना है कि आपको ये अरेंजमेंट कैसी लगी है, अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक लाजमी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कर देना। तो दोस्तों अब ये खुले रहेंगे, उनको मैं अभी खोल देता हूँ, फिर इनको भी आज खोलेंगे यार, आज इनको भी खोल दें इंशाल्लाह। दोस्तों मैंने बड़े मुर्गा मुर्गी को बंद कर दिया, क्योंकि यार काफ़ी देर तक खुले हुए थे और अब इनको बंद कर दिया, तो अब खोलना है हमने अपनी ब्लैक हंसी मुर्गी को, इसको और इसके चूज़े को खोल के मैं पीछे हट जाता हूँ ताकि ये बाहर आ जाएं। हमारा चूज़ा बड़ा एक्टिव हो गया माशाल्लाह से दोस्तों,
अब ये सुबह सुबह ना ये छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों के पीछे ऐसे बहुत तेज तेजी से भाग रहा होता है और फुल एक्टिव हो चुका है, फुल तेजी से ऐसे यूं शू शू भाग रहा होता है। ये काफ़ी प्यारा हो गया यार। अब ये इंशाल्लाह ये मुर्गा बनेगा, बाकी जो मर्दे बने बस जिंदा रहे, हमें उससे कोई मतलब नहीं है यार। मुर्गा बने मुर्गी हमारे पास तो फिर जिंदा आ रहे, इतने सारे थे एक बच्चा है, इंशाल्लाह कुछ ना कुछ तो उससे बनाएंगे ही बनाएंगे। और दोस्तों आपसे एक बात पूछनी थी कि यार एक कंफ्यूजन है थोड़ा सा कि आप देखें, ये देखें ये जो रेड वाला है यार, ये यार ये मुर्गियाँ लड़ पड़ी हैं, बैट सोट ही गया हूँ, कोई हाल ही नहीं है इनका, सुबह इन्हें लड़ी हैं। चलो क्या सुबह यार ये लड़ पड़ी थी सुबह, ये दरवाज़ा हमने आधा खोला होता है ना चिड़िया वाला, तो उधर ना हमारे मुर्गा मुर्गी खड़े होते हैं हवा, क्योंकि आपको पता है यार ऊपर इतनी गर्मी होती है, तो ये नीचे होते हैं और नीचे वहाँ पे मिट्टी भी पड़ी है, वहाँ पे सारे खड़े होते हैं नीचे सीढ़ियों में, तो यार उधर जाके ये खुल गई है, बाहर निकल आई होगी दरवाज़ा, क्योंकि होता है सिर्फ आधा खुला होता तो जोर लगाया बाहर आ गई होगी, तो इस वजह से यार ये लड़ पड़े थे सुबह भी, और सुबह इसकी आवाज़ें थी, इतनी मुश्किल से हमने रुकवाया था इसको। एक थोड़ा दिन ना इसने एक बारी बड़ी ब्राउन मुर्गी बाहर आ गई ना, इसने फिर हत्ते नहीं चढ़ना इसके, क्या है मैं कह रहा था उससे लड़ेगी ये, तो सीधा इधर बड़े पिंजरे में मारने लगे, मैं भूल गया था कि हमारी मुर्गियाँ भी लड़ती हैं। इतना अच्छा था कि यार ये कितना डरती थी, कोई एक मुसीबत तो हमारे लिए कम थी कि हमारी ब्लैक मुर्गी ब्राउन मुर्गी से डरती थी यार, अब तो ये भी लड़ना शुरू हो गई है, समझ नहीं आ रही यार इनकी। ये जो आप सामने चील देख रहे हैं ये किसी चीज़ का शिकार करके अभी लेके जा रही है, अभी ये थोड़ी देर पहले ना इधर बैठी थी जहाँ पे ये कौवा बैठा है ना वहाँ पे, तो हमारी मुर्गा ये दोबारा जा रही है यार, गुस्सा आ रहा है उसके ऊपर। चल 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 भाई चल चल उधर जाओ उधर, हाँ चूजे के पास, शाबाश। तो दोस्तों ये उधर लड़ रही थी क्या ना ऊपर बैठी, तो अभी ये शिकार करके चली गई है ये चीज, और हमारे मुर्गा मुर्गी काफ़ी ज़्यादा डर गए थे, मुर्गा तो खैर नहीं, हमारी जो ब्लैक मुर्गी है बच्चों वाली है, तो ये डर गई थी काफ़ी ज़्यादा। और दोस्तों इसको मैं कर दूंगा बंद, तो ये थी मेरी आज की वीडियो, मिलेंगे इंशाल्लाह कल एक नए वीडियो के साथ नए टॉपिक के साथ। तो दोस्तों आप लोगों ने मुझे बताना है कि ये जो मैंने अरेंजमेंट किया है ये सारी आपको कैसी लगी है, और कमेंट बॉक्स में लास्ट भी बता देना ये वाली अच्छी थी या पुरानी वाली अच्छी थी। तो मैं अभी के लिए आ जाती है दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।